हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट से लेकर सेवन्थ पार्ट तक के क्वेश्चंस। आई होप गाइस आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के क्वेश्चन डिस्कस करे थे और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर सेवन्थ तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस का cos। तो हमें इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS जो है हमारा 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec a का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है 1 अपॉन में cos a और sec a का इधर भी आ जाएगा 1 अपॉन में cos a। ऊपर हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस का 1 अपॉन में cos a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में cos a, जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos a प्लस का 1 अपॉन में cos a, जो कि ये आ गया और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल में हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos a अपॉन में 1। तो cos a से cos a कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस का 1। अब हम गाइस इसके अंदर क्या करेंगे, इसको एक बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस का cos a से और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस का cos a से। बात तो एक ही होगी गाइस, ये और ये कट के 1 आ जाएगा और फिर वापस हमारे पास cos a प्लस का 1 ही आ जाएगा। तो अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस का cos a, 1 माइनस का cos a। अगर मैं a को लूँ 1, b को लूँ cos a, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो वहीं ये लग जाएगा, ये a प्लस का b और ये a माइनस का b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस को स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस का cos a, जो कि आप जानते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का cos a। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 माइनस का cos स्क्वायर a के इक्वल। तो यही हमारा RHS है गाइस जो हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ ये हमारा RHS आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का cos स्क्वायर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज़ अ फिफ्थ पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है cos a माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन में cos a प्लस का साइन ए माइनस का 1। तो ये हमारा LHS है जिसको हमें RHS के इक्वल प्रूफ करना है, जो कि है cosec a प्लस का cot a। तो ये जो हमारे 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये 10 के 10 पार्ट में थोड़ा जो ये फिफ्थ पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी ज़्यादा है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो हमें इसमें गिवन है कि हमें cosec स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हम LHS लिखते हैं हमारा, जो कि है cos a माइनस का sin a प्लस का 1 अपॉन में cos a प्लस का sin a माइनस का 1। तो सबसे पहले हम गाइस इसके अंदर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को sin a से डिवाइड कर देते हैं। cos a माइनस का sin a प्लस का 1, इसको हमने पूरे को डिवाइड कर दिया sin a से, और इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस का sin a माइनस का 1
अपॉन में साइन ए। फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो वापस हमारे पास यही आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉन में साइन ए। इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का वन अपॉन में साइन ए। तो ये हमारे पास एलसीएम ब्रेक करने के बाद आया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, कोस ए अपॉन में साइन ए गाइस कोट ए होता है। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब तक आपको आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए। कोस ए अपॉन में साइन ए कोट ए होता है, साइन ए सा साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा वन, और वन अपॉन में साइन ए होता है हमारे पास कोसेक ए। आई होप गाइज आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। कोस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा अगेन कोट ए, ये हो जाएगा प्लस का वन कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का कोसेक ए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ले लेंगे कोट ए, यहाँ पे ले लेंगे माइनस का वन माइनस का कोसेक ए, इसको एज अ ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का वन और माइनस माइनस का प्लस का कोसेक ए आ जाएगा। अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस का वन माइनस का कोसेक ए, इसको हमने एक साथ ले लिया। अब इसका हम साथ ही में रेशनलाइज भी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट ए माइनस का, रेशनलाइज में डिनोमेटर आता है बस बीच का साइन चेंज हो जाता है, ये होता है हो जाएगा वन माइनस का कोसेक ए अपॉन में, और ये हो जाएगा कोट ए माइनस का वन माइनस का कोसेक ए। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोट ए को ए मान लूँ और वन माइनस का कोसेक ए को बी मान लूँ, ये हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया, ऐसे ये हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया, तो यहाँ पे ए माइनस का बी और ए माइनस का बी, ए माइनस का बी और ए माइनस का बी विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पूरा हमारे पास कोट ए माइनस वन माइनस का कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये ए माइनस का ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया अपॉन में। अब यहाँ पे क्या है ए प्लस का बी और यहाँ पे क्या है ए माइनस का बी, तो ए प्लस का बी ए माइनस का बी विच इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज कोट स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर मतलब वन माइनस का कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आई। अब हम इसको आगे करते हैं, अब यहाँ पे ए माइनस का बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस का ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी का स्क्वायर ए रुक जाओ ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस का कोसेक ए का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए कोट ए और ये हो गया बी विच इज़ वन माइनस का कोसेक ए अपॉन में, ये हो जाएगा ये तो कोट स्क्वायर ए ही रहेगा, और यहाँ पे इसको हम खोल देंगे आगे फर्दर तो ये हो जाएगा हमारे पास वन का स्क्वायर माइनस का कोसेक ये प्लस का सेक स्क्वायर ए माइनस का टू कोसेक ए। अब हम इसको भी खोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए प्लस का अंदर बचेगा वन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का
टू कोसेक ए, और फिर इस टू कोट ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रह जाएगा माइनस का टू कोट ए, और ये हो जाएगा प्लस का टू कोटे कोसैक ए, कोटे कोसैक ए अपॉन में ये रह जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस का वन माइनस का कोसैक स्क्वायर ए प्लस का टू कोसैक ए। ये ब्रैकेट खोला तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब गाइस ये कोट स्क्वायर ए प्लस का वन, तो हम जानते हैं कि वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम इसको लिख देंगे वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस का टू कोसेक ए माइनस का टू कोटे, इसको अभी रहने देंगे और ये पहले लिख देंगे टू कोटे कोसेक ए प्लस का टू कोटे कोसेक ए, और अब लास्ट हमारा ये बचा तो ये लिख लेंगे माइनस का टू कोसेक ए माइनस का टू कोटे अपॉन में। अब यहाँ पे है कोट स्क्वायर ए, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का वन। हमें पूरे क्वेश्चन में हमें बस वन प्लस का कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो कोट स्क्वायर ए का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का वन, यहाँ पे माइनस का वन माइनस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का टू कोसेक ए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ऊपर से टू और कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए कॉमन आते ही यहाँ पे बच जाएगा कोसेक ए, और यहाँ पे बच जाएगा कोटे, और यहाँ पे माइनस टू कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कोसेक ए, माइनस टू कॉमन लेते हैं यहाँ बच जाएगा कोसेक ए, और यहाँ बच जाएगा प्लस का कोटे, क्योंकि जब आप माइनस टू की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये माइनस का टू कोसेक ए और माइनस का टू कोटे आ जाएगा अपॉन में। अब कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस का वन प्लस का टू कोसेक ए। अब यहाँ से कोसेक ए प्लस का कोटे कोसेक ए प्लस का कोटे, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में से कोसेक ए प्लस कोटे कॉमन आ जाएगा, प्लस का कोटे, तो यहाँ बच जाएगा टू कोसेक ए माइनस का टू अपॉन में ये माइनस का वन माइनस का वन माइनस का टू हो जाएगा प्लस का टू कोसेक ए। अगर आप गाइस ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है, ये भी टू कोसेक ए जो प्लस का है, और ये भी टू कोसेक ए जो प्लस का है, और यहाँ पे माइनस का टू है और यहाँ पे भी माइनस का टू है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ कोसेक ए प्लस का कोट ए, जो कि हमारा आर एच एस है और हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट टैकल करेंगे और करेंगे। पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और उस हिसाब से ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये हमारा कोसेक ए प्लस कोटे आ गया। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अ सिक्स पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एल एच एस है जिसको हमें सेक ए प्लस टेन ए जो हमारा आर एच एस है इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो LHS है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो ये पूरा हो जाएगा 1 तो सबसे पहले हम इसको रेशलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन है अपॉन में 1 माइनस का साइन है। तो रेशलाइज करेंगे तो डिनोमेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन है अपॉन में 1 प्लस का साइन है। तो यही है a प्लस बी, अगर यहाँ पे हमारा a है 1, b है साइन ए, तो यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पे क्या है a माइनस का b और यहाँ है a प्लस बी। तो जब ऐसा कंडीशन होता है a माइनस का b और a प्लस का b, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, जो कि बेसिकली इक्वल होता है को स्क्वायर ए के। तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहने देंगे, और नीचे आ जाएगा ये हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो विच इज को स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल 1 प्लस का साइन ए, और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे कोस ए। नेक्स्ट ये हो जाएगा एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस ए प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए, जो कि हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए। 1 अपॉन में कोस ए सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन में कोस ए टेन ए होता है। तो ये हमारा आरएचएस है जो कि हमें प्रूफ करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7th वन, जिसके अंदर हमें करना है साइन थीटा माइनस का 2 साइन के क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस के क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। ये हमारा LHS है जिसको हमें 10 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। ये हमारा LHS है। तो सबसे पहले हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस का, यहाँ बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और 2 साइन की क्यूब थीटा में एक साइन थीटा निकाल दो तो बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से हम कोस थीटा निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नेक्स्ट में हम साइन थीटा न्यूमरेटर को सेम रख देंगे, अपॉन में कोस थीटा। अब यहाँ पे 2 को ऐसे दे देंगे, ये जो हमारा कोस स्क्वायर थीटा है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो को स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, तो को स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये। तो अब ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऐसे कैसे ही रहेगा,
ये हो जाएगा अंदर टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू वन जो टू माइनस टू साइंस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टू वन जो टू और टू साइंस स्क्वायर थीटा और माइनस का वन ऐसे का ऐसे रहा, तब ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा और टू में से वन जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, टू में से वन गया तो ये बच गया वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा जो कि हो जाएगा टेन थीटा जो हमारा आरएचएस है और हैंस प्रूफ। तो ये हमारा आरएचएस आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन तक के पार्ट्स को डिस्कस किया एंड बाकी का एट नाइन टेन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।